अभी यारो मुझे माफ करना, मैंने इस ट्रेंड की ऐसी की तैसी कर दी, पर भाइयों जरा भैया के ठुमके तो देखो। इन भैया का डांस परफॉर्मेंस देखकर मैं बस यही कहूंगा, आप मुंबई आ सकते हो। अब वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये भैया इन टमाटरों के ऊपर नाच क्यों रहे हैं, अब शायद इन्हें किसी जानवरों को खिला देंगे, पर आप गलत हो। इन सभी टमाटरों से टमाटर का चटनी बनाया जाएगा, जिसे अंग्रेजी में हम टमाटर सॉस भी कहते हैं। अब जैसे कि अपने सुंदर पैरों से इतना इन टमाटर को कुचला जाएगा कि बाद में ये कुछ ऐसे बन जाते हैं। और अभी इस पदार्थ को देखकर आप समझ गए होंगे कि लोकल मार्केट में जो सॉस मिलता है उससे ये कुछ मिला जुला सा दिख रहा है। और ये तो बस अभी वीडियो की शुरुआत है। अगर आप कुछ अभी खा रहे हो तो प्लीज उसे साइड में रख दो, क्योंकि ये वीडियो आपका मुंह बंद जरूर कर देगा लेकिन आग जरूर खोल देगा। वैसे आप सभी के लिए एक अच्छी बात जरूर है कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई जरूर करती है, और यही कारण है कि ऐसे बहुत से अवैध जगहों पर छापा पड़ा है, उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। पर भैया जो बोलो, आज इस गोलगप्पे वाले को तो जरूर देख कर ही जाना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इन दद्दू से, जो अपने स्वस्थ आयुर्वेदिक हाथों से इन वड़ों को दबा दबा कर अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। और सच कहूं तो मुझे पता नहीं है कि आखिर में बेच क्या रहे हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता देना। अब यारो मुझे एक बात समझ नहीं आती, मानो आप एक दुकान में गए हो और वहां का दुकानदार आपको कुछ इस तरह कोई खाना परोस कर दे रहा हो, तो क्या आप सच में उसे खाना चाहोगे? अब भैया यहां पर लोगों की भी एक गलती है कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऐसा खाना खा सकते हैं। अब एक तो दद्दू हमारे इन वड़ों को निकाल रहे हैं और ऊपर से दबा दबा कर उसके रस को वापस से डब्बों में डाल भी दे रहे हैं। अब भाई मेरा तो देखकर ही मन भर गया, अब पेट के अंदर तो नहीं जाने वाला ये सब। तो आइए दोस्तों जरा फूड ब्लॉगर बना जाए। अरे यू भैया, हम कभी तनिक शरबत बरत पिलाओ यार। जी साहब, 10 का लगा दे, 20 का लगा दे। 10 का लगा दो? अरे वाह का गजब मारो, लगता है तोड़ ही दोगे, बहुत शानदार, एकदम बीजवा से तोड़े हो। अरे भैया आप देखिए हम कैसे इसका पिसवा बनाते हैं। मसाल देंगे इसको आज तो एकदम। अरे अरे भाई, थोड़ा हाइजीन नहीं देखते हो क्या? अरे भैया हाइजीन कौन ही देखता है, सब पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, सब एकदम झक्कास है। अरे छोटू 10 वाला ग्लास देना रे। ले भैया आपका 10 वाला शरबत। भैया इसे घट लीजिए और ऊपर के मालिक एकदम ठंडा कर लीजिए। वेल दोस्तों एक बात तो जरूर है कि सभी फास्ट फूड वाले इतना ज्यादा हाइजीन नहीं रख सकते, क्योंकि भैया इनके पास रिसोर्सेस ही कम होते हैं, पर तो भी थोड़ा बहुत हाइजीन का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। अब भैया इस सुंदर से लिफाफे को देखकर आपको लग रहा होगा कि शादी का मौसम है तो शादी के कार्ड्स बट रहे होंगे, पर भैया ना 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 ना, ये वीडियो कस्टम वालों का है। और यहाँ पर इन कस्टम वालों ने कुछ अद्भुत ज्ञानी लोगों को पकड़ा है, जिन्होंने अपने दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल करना सीख लिया था। लेकिन भैया भूल गए, कस्टम वाले भी कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं। अब ये वेडिंग कार्ड बहुत ज्यादा भारी था, जिस कारण कस्टम वालों को शक हुआ, और फिर जब इस कार्ड का प्यार से ऑपरेशन हुआ तो इसके अंदर से निकला ड्रग्स, जिसे देखकर हमारे कचरा सेठ ने बोला 150 रुपया देगा। अब कचरा सेठ तो 150 रुपया ही दे रहे हैं, लेकिन असल में इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जिस कारण ड्रग्स को कर लिया जब्त और लड़कों को कर लिया जेल के अंदर बंद। अब यारो सच कहूं तो भगवान माफ नहीं करेगा इस व्यक्ति को। अब जिन भी लोगों ने कभी ना कभी इससे गोलगप्पे खाए होंगे उनके ऊपर क्या बीती होगी, पर इससे भी ज्यादा दिक्कत की बात तो यह है कि आजकल कुछ दुकान वाले अपने आप को अलग दिखाने के लिए अब इन गोलगप्पों के पानी में या फिर मसालों में अनशन मसाले मिला रहे हैं। अब आप ही सोचो, क्या ये चाचा नहीं जानते कि ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करके भी इस पानी में मसाला मिला सकते थे, पर ये जानबूझकर ये सब करते हैं कि फूड ब्लॉगर्स इनके पास आए और ये फेमस हो पाए। पर यारो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और ऐसे लोगों के पास मत ही जाना, अपने आसपास में देखना कौन अच्छे से बेचता है, वो भी हाइजीन के साथ, उनसे ही खाना। अब जरा इस महाशय को भी देख लीजिए, जो सोडा नींबू बेचता है, जिसे दुनिया में कहीं और पानी नहीं मिला, मिला तो कहाँ, एक शौचालय के नल के अंदर से पानी कलेक्ट कर रहा है। अब भाई मुझे सच में समझ नहीं आता, ये सब ये लोग जानबूझ के करते हैं या फिर बस सोशल मीडिया में गाली खाने के लिए। और यहाँ पर भी एक दूसरा आदमी जो सेम दिमागी बीमारी के साथ है, और ये अपने सब्जियों को गंदे पानी से धो रहा है, और ये गंदा पानी रेलवे ट्रैक में जमा हुआ था। अब जो भी लोग इनसे सब्जी खरीदेंगे उनको तो पता भी नहीं है कि ये कैसे सब्जी लाया है, वो भी कहाँ से। अब आजकल आपने देखा होगा इन बड़े ड्रमों में पानी आजकल लोग मंगाने लगे हैं। अब औरों की क्या बात करूं, मैं खुद भी मंगाता हूं, पर दिक्कत तो तब आती है जब इन बड़े ड्रमों को अच्छे से धोया तक नहीं जाता और वापस से रिफिल कर दिया जाता है, और वो भी कैसे डर्टी इन्वायरमेंट में, अभी आप देख सकते हो। और साथ ही यहाँ पर ढक्कन भी हाथों से लगाया जा रहा है, और तो और इन ड्रमों को धोने के लिए जरा सा पानी अंदर डालो, थोड़ा सा हिलाओ और हो गया।
तो यारो जरा आप देखिए इन चुन्नू मुन्नू भाइयों को जो अपने कस्टमर को दूध दे रहे या नहीं दे रहे पता नहीं, लेकिन केमिकल जरूर पिला रहे हैं। अब पता नहीं क्यों इनमें से एक आदमी अपना मुंह ड्रम के अंदर घुसेड़कर अंदर क्या कर रहा है। अब मैं तो बस आशा करता हूँ अंदर थूक ना रहा हो करीबन। और दूसरे को आप बाजू में देख सकते हो जो प्लास्टिक से पता नहीं कौन सा केमिकल अंदर मिला रहा था। अब कुछ पैसे बचाने के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। और इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जहाँ से भी आप दूध लेते हो जरा जरा कभी कभी चेक कर लिया करो दूध सही से दे रहा है कि नहीं। और जो हरकत ये लोग कर रहे हैं इसके लिए इन्हें जेल जरूर जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ वीडियो तो इनके वायरल हो ही गई थी, तो पुलिस ने भी अपना काम कर ही दिया होगा। अब दोस्तों मैं इस औरत की किस्मत बुरी बोलूं या फिर बहुत ज्यादा बुरी, क्योंकि जब इन्होंने ऑर्डर किया फ्राइड चिकन तो देखो जरा इनको क्या मिल गया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज है। अब इन स्पॉन्ज को इन्होंने बेसन में तल के इस औरत को दे दिया। भाई कसम से ऐसी मिस्टेक कहाँ हो जाती है। अब भाई ये सब सच में देखने के बाद मैं यही बोलूंगा, घर का खाना ही बेस्ट है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मजेदार वीडियो के साथ।